तो दोस्तों फाइनली आ चुका है हमारे बैंक अकाउंट में हमारे यूट्यूब चैनल का फिफ्थ पेमेंट, यानी कि दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का जो पांचवा कमाई है वो दोस्तों हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आखिर दोस्तों ये जो पेमेंट आया है यह कितना रुपया आया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि दोस्तों जब हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ था उस समय दोस्तों हमारा चैनल महीना में कितना कमाई कर लेता था, और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि दोस्तों हमारा जो पेमेंट होता है हमारे यूट्यूब चैनल का जो कमाई होता है वो हमारे बैंक अकाउंट में आता है, इसके बीच क्या क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का मंगेश कुमार के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं, और दोस्तों प्रमोशन वाला कोड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों फर्स्ट पेमेंट मेरा जो यूट्यूब का पहला कमाई आया था वो कितना रुपया आया था और क्या क्या परेशानी हुई थी वह दोस्तों अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा अगर दोस्तों आप यूट्यूब पर काम करते हैं तो। दोस्तों आपके साथ भी यह परेशानी जरूर होगा। और दोस्तों YouTube चैनल बनाने से लेकर बैंक अकाउंट में पैसा आता है इसके बीच क्या क्या प्रोसेस होता है इस पर भी दोस्तों मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया हूं, उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाके उस वीडियो को देखिएगा। अब चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो के मकसद पर आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों जब हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ था वह डेट था 16 फरवरी 2020। 16 फरवरी को दोस्तों हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, उसके बाद दोस्तों हमारा एडसेंस अकाउंट बन गया और दोस्तों हम अपने सारे वीडियो पर ऐड लगा लिए तो दोस्तों हमारे वीडियो से कमाई होने लगा। तो दोस्तों प्रतिदिन जो हम वीडियो अपलोड करते हैं या दोस्तों पहले से हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है उस सारे वीडियो का जो कमाई होता है वो दोस्तों उसके अगले दिन हमारे YT स्टूडियो में दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा भी दिखाई देता था। उसके बाद दोस्तों अगले महीने जैसे कि इस महीने आप जितना भी कमाई करते हैं वह दोस्तों अगले महीने 11 तारीख को 11 बजे से लेकर दोस्तों शाम के 4 बजे तक आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में वह ऐड हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट में जो आपका बैलेंस है वो दोस्तों $100 या $100 से ज़्यादा होना चाहिए, $100 यानी कि $100 या $100 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर $100 या $100 से ज़्यादा है तब तो ठीक है, अगर दोस्तों कम है तो फिर अगले महीना आपका जितना भी कमाई हुआ है वह सब ऐड होगा और दोस्तों यह जितना आप डॉलर पिछले महीने कमाए हैं वो सब भी आपका रहेगा और उसके अगले मंथ भी जितना आप कमाई कीजिएगा वो सब भी रहेगा और 11 तारीख को ऐड होगा तो दोस्तों आपका $100 से ज़्यादा हो जाएगा तभी दोस्तों वहां से वह पेमेंट रिलीज होता है। तो दोस्तों शुरुआती दौर में दोस्तों यह जो $100 है इसे पूरा करने में दोस्तों मुझे 8 महीना लग गया था। दोस्तों 16 फरवरी को हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, उसके बाद दोस्तों फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर में जाके दोस्तों हमारा जो पेमेंट फर्स्ट पेमेंट आया। तो दोस्तों इतना दिन में मुझे अपने एडसेंस अकाउंट में $100 से ज़्यादा डॉलर पूरा करना पड़ा। तो दोस्तों $100 जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दोस्तों 21 तारीख को आपके एडसेंस अकाउंट से जो आपका पेमेंट है उसे रिलीज कर दिया जाता है यानी कि भेज दिया जाता है और उसके बाद दोस्तों 5 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका जो पेमेंट है वो आ जाता है। तो दोस्तों मेरा 21 तारीख को पेमेंट रिलीज होता है, उसके बाद दोस्तों 12 घंटे के बाद मेरे बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ, 21 तारीख को मेरा पेमेंट रिलीज हुआ और 22 तारीख को 1:30 बजे करीब मेरे बैंक अकाउंट में मेरा पेमेंट आ गया। अब दोस्तों ये तो आप देख लिए, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आखिर पेमेंट कितना रुपया आया है। तो दोस्तों जो हमारा पेमेंट आया है यह दोस्तों हमारा जो था $150 के करीब करीब था। तो दोस्तों $150 के करीब करीब था। तो दोस्तों जो हमारा पेमेंट हुआ वो दोस्तों 10,500 के करीब करीब दोस्तों हमारा पेमेंट आया है। दोस्तों ये कोई नहीं बताता है लेकिन दोस्तों मैं बता दिया हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो कम से कम इसीलिए लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों आगे से मैं पेमेंट वाला वीडियो नहीं बनाऊँगा, यह आखिरी मेरा वीडियो है। और दोस्तों यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों शुरुआती दौर में आपका अर्निंग बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों हबड़ाइएगा मत, दिया आप अपने वीडियो पे ध्यान दीजिएगा, जब आपका वीडियो वायरल होने लगेगा उसके बाद दोस्तों आपका अर्निंग होने लगेगा। दोस्तों 8 महीना मुझे $100 पूरा करने में लग गया, अब देखिए दोस्तों हर महीना मेरा $100 से पार हो जाता है और दोस्तों हर महीना मेरे बैंक अकाउंट में मेरा पैसा है वो आ जाता है। तो दोस्तों शुरुआती दौर में आपको दोस्तों इंतजार बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो था वो हम आपको बता दिए हैं, कम से कम जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।